तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप पहुंची हूं बहुत ही अच्छे जहां पे जो है कि स्वदेशी मेला जो कि लगा हुआ है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूं। ये जस्ट लगा है गोमती नगर में रिजर्व बैंक ऑफिस के जस्ट मेन गेट के जस्ट सामने। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं पूरा। तो अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या अलग चीजें, क्योंकि लखनऊ में इस टाइम बहुत ही ज्यादा एग्जीबिशन मेला बहुत ज्यादा चल रहा है, सीजन ही चल रहा है। तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको सेम टू सेम मिल सकती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर वही चीज आपको एक्सप्लोर करूंगी जो कि बिल्कुल थोड़ी हमें अलग हटके दिखेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिखा देती हूँ पहले कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जस्ट अपोजिट यहाँ पे स्वदेशी मेला 2021 का लगा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पे कुछ स्वदेशी पीस भी चल रही है, उसके भी साउंड आपको आवाज आएगी। तो एंट्री करने के साथ ही यहाँ पे कुछ पिलो मिल रही है, साथ में यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज और हैंडमेड चीजें आपको मिलेगी। जैसा कि नाम से ही पता है कि स्वदेशी मेला है, तो यहाँ पे आपको अपने देश के अलग अलग राज्यों से जो भी चीजें हैंडमेड चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट गेट के बाहर अंदर करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें मिल रही हैं। और यहाँ पे एक भैया उसको पेंट कर रहे हैं, आप अच्छा सफाई कर रहे हैं जो कि लास्ट फाइनल। तो ये सारी चीजें कुछ यहाँ पे देखिए डेकोरेशन की चीजें हैं, जैसे दिया वगैरह जलाने के लिए। अभी न्यू ईयर क्रिसमस आ रहा है, तो उसमें काफी कुछ चीजें आपको यहाँ से अपने घर में डेकोरेशन के लिए मिल सकती हैं। आप यहाँ पे देखिए वो भी एक दिया के लिए है, कुछ पॉट इस तरह के हैं, आप इसमें इस तरह से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है पानी भर के यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर, या आप कुछ भी अपनी पसंद के फ्लावर वगैरह रख सकते हैं। तो प्राइस क्या आपको पता है, क्या इसकी क्या प्राइस है? स्टैंड के साथ में 800 का मिलेगा, बिना स्टैंड का 400 का मिलेगा। और ये जो छोटे छोटे से हैं 100 रुपीज में आपको इस तरह के पॉट मिल रहे हैं, आप अपने घर में अपने किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो दिया का है आप विथ स्टैंड, ये स्टैंड के साथ लेंगे तो 900 का मिलेगा। अगर सिर्फ यही लेना हो तो 400 का आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। यहाँ पे बड़े ही अच्छे से गणेश जी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो भैया ने अभी जस्ट साफ किया वो वाला दिखाती हूँ मैं आपको। ये गणेश जी कितने के? 100 रुपीज में, कोई भी पीस मतलब कोई भी लेना हो। अच्छा, तो 100 रुपीज में आपको गणेश जी मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, छोड़ो आपको पिगी बैंक भी मिल जा रहा है, कछुए का जो होता है ना कि हाँ आप अपने घर में रखे शुभ लकी टाइप से, तो वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे इस तरह के। भैया ये क्या है? तबला है, बैठने के लिए है। अच्छा, तबले की शेप में आपको एक स्टूल मिल जा रही है पहने, तबले की शेप में। ये देखिए इसकी प्राइस क्या है, अगर आपको सिंगल लेना है तो 1500 का, और पेयर में लेना है तो 2500 का आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 100 रुपीज से स्टार्ट है। घर में तुलसी जी का पौधा लगाना हो तो ये आप पॉट ले जा सकते हैं। ये तुलसी जी का कितने का है? हाँ भैया इसकी प्राइस क्या है? 350 का एक सिंगल आपको मिलेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी डेकोरेशन वाली चीजें मिल रही है, सारी हैंडमेड है। ये हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है, ये सारा हाथ से बना हुआ है। कहाँ से आए भैया? चिन्हट से ही आए हुए यहाँ पे लखनऊ के। और शंख के शेप में वो कितने का? 350 रुपए में शंख वाला पॉट आपको मिलेगा। मैं पास से दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शंख की शेप में आपको पॉट जैसा मिल रहा है, तो आप एज अ डेकोरेशन भी रख सकते हैं और उसके साथ में आप इसमें कुछ भी पौधा लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको झूले के शौकीन और कुछ फर्नीचर भी मिल रहा है, तो ये भी आपको ये बड़ा मतलब बिल्कुल प्योर बांस का जो बम्बू होता है उसका बना। इसकी क्या प्राइस है? तो ये 14,000 रुपये में आपको बम्बू वाला झूला मिल जा रहा है। होम डिलीवरी है क्या? होम डिलीवरी है, उसका कुछ चार्ज है अलग से? अच्छा, एरिया के हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा डिलीवरी, बट होम डिलीवरी अवेलेबल है 14,000 रुपये का। 14,000 का आपको ये बम्बू का झूला मिल जाएगा। और ये चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सामने भी आपको इसी तरह का पॉट जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया उसी तरह का सामने भी मिल रहा है, तो प्राइस भी लगभग होगी। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के पॉट और मग मिल जा रहे हैं, जो कि मेरे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, तो उसका भी आपको दिखाया गया। मैंने पहले बताया मैं आपको वही चीज़ आगे एक्सप्लोर करूँगी जो कि बिल्कुल यहाँ पे मुझे हटके दिखेगी। ये क्या है? तो यहाँ पे ये भैया नहीं है, तो इनको हम बाद में देखेंगे क्या प्राइस वगैरह है। और ऊपर ही आप जस्ट आएंगे तो आपको सिम्फिक से वही सारी चीज़ें यहाँ पे। ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल कितने का है भैया? ये वाटरफॉल कितने का है? तो ये स्टैंड के साथ में आपको 2000 का ये वाटरफॉल मिल जाएगा, बिल्कुल हैंडमेड है ना, ये हैंडमेड है। तो यहाँ पे आपको ये हाथी की शेप में 4 मुख वाले हाथी है, तो उसका स्टैंड है। और यहाँ पे ये इस तरह से 4 आपको दिए हुए हैं पॉट की तरह, और साथ में आपको ये इसका ये मशीन भी दिया जा रहा है जो पानी को उठा सकेगा। यहाँ पे
कुछ इंडियन चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी वही फर्नीचर वगैरह है जो कि आपको उसमें भी मैंने दिखाया था। तो चलिए आगे देखते क्या क्या चीज़ मैंने आपको दिखाया कि कुछ और भी बेसिक मीन्स इन द सेंस कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे पॉट मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी आप देखे ही होंगे, तो वहाँ से आपको सेम वही चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें सेम ना दिखाते हुए मैं थोड़ा अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगी। पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पे कालीन जो कि अभी जस्ट मैंने अपलोड किया था वीडियो जय सहकार मेला, तो वहाँ पे भी कालीन था, तो मैं उसको नहीं देखती हूँ अभी। मैं आपको एक पूरा लुक दिखा दूंगी क्या क्या चीज़ें हैं, बट जो अलग चीज़ें मैं वही दिखाऊंगी। चलिए और देखते क्या है यहाँ पे। उसके बाद में आपको बनारसी दुपट्टे वगैरह मिल जाएंगे, 400 से स्टार्ट है। स्वेटर मिल जाएगा, ठंडिया चले तो गाइड से बात है, स्वेटर चलेगा। ऊपर कुछ इस तरह से रखा हुआ है मटकी वो सारी। और यहाँ पे ये क्या है? अच्छा, खुलेगा कैसे? ये रोटी वगैरह रखने के लिए हम जो लेते हैं वो है, तो ये रखने के लिए है। और इसका ये ढक्कन है, कितने की है ये? 250 का। कोई डिस्काउंट है क्या? फिक्स प्राइस है 230 में, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप बार्गेनिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये क्या है, गमले है क्या? पॉट, इसमें फूल लगा सकते हैं आर्टिफिशियल? तो यहाँ पे आपको इस टाइप के बहुत सारे गमले हमने देखे भाई। हम लोगों ने बहुत सारे गमले पॉट वगैरह देखा, ग्लास का देखा, अभी जो इससे पहले भी दिखाया मिट्टी वगैरह वो सब देखा, सीमेंट का देखा, मिट्टी का देखा, बट इस तरह का तो पहली बार ही देख रहे हैं, जो कि हाथ से बना हुआ है। ये बम्बू की छील के उसको पतला करके बना दे, थोड़ी बहुत नॉलेज तो भाई देखो मुझे भी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गमले का शेप में, आप यहाँ पे अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप फ्लावर लगा सकते हैं बट आर्टिफिशियल, मिट्टी वाली नहीं लगा सकते, ये तो ख़राब हो जाएगी, है ना, ख़राब हो जाएगी। ये बिल्कुल आप आर्टिफिशियल अपने घर में घर के डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल लगा सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग साइज़ के आप देख सकते हैं, ये रोटी रखने का मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रोटी बॉक्स, हाँ देखो मैं भूल गई थी, रोटी बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हर साइज में, इसकी क्या प्राइस होगी? 350 में आपको बड़ी साइज, छोटी साइज, मिनिमम प्राइस क्या है इसकी, कम से कम प्राइस क्या है इसकी? 230 रुपए की आपको ये नॉर्मली जितनी बड़ी रोटियाँ सबके घर में बनती है इतनी बड़ी मिल जाएगी। और ये क्या, ये भी कुछ सामान रखने के लिए, ये सामान आप अपने घर का कुछ भी थोड़ा बहुत चीज़ें स्टोर करना। यहाँ पे देखिए बड़ा ही ब्यूटीफुल सा हैंडमेड पेंट किया हुआ है, फ्लावर वगैरह, यहाँ पे फिश बर्ड बनी हुई है, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा खासा इसमें जगह है। ये क्या प्राइस की है? 1200 का है, 1200 का है, लेकिन वही चीज़ें हैं भाई, आप बार्गेनिंग किए बगैर तो रह नहीं कोई सकता, तो बार्गेनिंग करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो साथ में लगा यहाँ पे एक स्टॉल ये भी है, और जहाँ पे ये कठपुतली है ना, ये कठपुतलियाँ तो सब जानते हैं, उसके मेले तो सब जानते हैं कि क्या है, और यहाँ पे मिल रही है, तो देखते हैं क्या प्राइस है इसकी। कितने की है भैया? एक दो। अच्छा, पेयर मिल रहा है 200 का, 200 में आपको पेयर कठपुतलियाँ मिल रही हैं। और इसको कैसे अपने से इसको घुमाना है, ये देखिए आप अपने घर में ले जा सकते हैं, बच्चे वगैरह है तो आप दिखा सकते हैं भाई, अपने देश की चीज़ें पता होनी चाहिए हमारे घर में बच्चों को भी, अपने बच्चों को तो वो मालूम होना चाहिए, है ना, ऐसा ना उनको पता ही नहीं कठपुतली क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं ले जाके घर पे। कुशन कवर है, ये कुशन कवर भी हैंडमेड है, कहाँ से है भैया? पॉलीटेक्निक से। क्या नाम है? मीता। मीता है पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक में भी है क्या शॉप इसकी? कहाँ पे? पॉलिटेक्निक के कहाँ पास है? सुषमा हॉस्पिटल के पास में इनकी शॉप है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ। कितने की है ये? 150 की है, यानी 200। 150 में 5 पीस पूरे, एक पीस 150। अच्छा, आपको 25 के हिसाब से भी मिल जाएगा, तो 150 रुपए में आपको ये एक पीस मिल जाएगा, जिसमें मोर पंख बड़ा ही खूबसूरत सा बना हुआ है, और भी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाली भी हैं, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कठपुतलियाँ हैं, कुछ घर में डेकोरेशन वाली चीज़ें भी हैं। इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा दिखाइएगा, क्या बोलते हैं? डोर झालर, गेट झालर, गेट झालर बोलते हैं, जिसमें ये देखिए मोतियों और थ्रेड वर्क का काम है। क्या प्राइस है इसकी? 200 रुपए में है। कुछ कम हो सकता है कि नहीं? कम हो सकता है, बार्गेनिंग हो सकती है। पीछे जो बैग है वो कितने की है? 250 की बैग है। तो भाई आप जानते हैं कि आपको बार्गेनिंग करनी है कि नहीं करनी है। यहाँ पे भगवान जी के कपड़े हैं ना, भगवान जी के कपड़े भी मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं आकर के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल हैंडमेड, और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी मिल रही है, आप अपने घर की दीवार को बड़ी ही खूबसूरती से सजा सकते हैं। यहाँ पे ये खूबसूरत सा पेंट गौतम बुद्ध जी, और प्राइस भी टैग है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 15,000 की ये पेंटिंग है, और ये लकड़ी पर बनी हुई है। यहाँ पे भी सबका प्राइस है, ये 4,000, ये 2,000 गौतम जी, 1,200 के गणेश जी, कितने के हैं? गणेश जी का प्राइस नहीं है, प्राइस लिस्ट मतलब ये आपको खुद देखना पड़ेगा। उसके साथ में यहाँ पे और भी एबस्ट्रैक्ट माउंटेन फिश
बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत से पेंटिंग बनी हुई है। प्राइजेस भी साथ ही साथ लगे हुए हैं, तो अलग से आपको प्राइस पूछने की जरूरत नहीं। ये 1000 रुपये की पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और 400 की आपको ये एक छोटू सा लकड़ी पे है, ये क्राफ्ट पे। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग प्राइस 400 से स्टार्ट है। कोई डिस्काउंट भी है? अच्छा, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? अच्छा, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी सी पेंटिंग है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने पहले देखी है पेंटिंग, वो भी इन लोगों की, मतलब टोटल पेंटिंग जो है यहाँ पे, तो वो सारी पेंटिंग इन लोगों ने बनाई हुई है खुद से। और बहुत ही, ये कौन सी पेंटिंग है? वाटर कलर की है। और भाई, हम लोग को वाटर कलर से पहले बनाते जब स्टूडेंट थे, तो ऐसी पेंटिंग तो भाई हम लोग तो नहीं बना पाते थे, है ना। कुछ भी क्या आर्ट में क्या बना ले, मैंगो बना लिया, एप्पल बना लिया, उसी को मार्क्स मिल के पास हो गए, हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत ही अप्रिशिएट कर, कौन सा वर्क है? अच्छा, ये मंडाला वर्क। अच्छा, पेंटिंग में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं कि मंडाला वर्क, मिरर वर्क और क्ले वर्क, मतलब बहुत सारी क्ले वर्क की हमारी, ये भी है, ये भी, जैसे कि ये हमारी पेस्टल कलर हो गया और ये क्ले वर्क जी। तो हम लोगों ने देख लिया कितनी है, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। पेंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ें हम लोग को, और उस हिसाब से प्राइस भी बहुत ही सही है, और बार्गेनिंग तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ें बाहर जाके लेते हैं, जो कि हमारे लखनऊ में बहुत जगह ऐसी पेंटिंग की है, जो कि अमीनाबाद तो सबसे फेमस पेंटिंग के लिए है, लेकिन वहाँ भी इस प्राइस में इस टाइप की पेंटिंग मिलना भाई बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं मिलती हमें। आप लोग सब लोग जाते ही होंगे, अमीनाबाद देखते हैं, लेकिन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, 26 दिसंबर तक का अभी ये स्वदेशी मेला लगा हुआ है, जहाँ पे आपको एंट्री करने के बाद में जस्ट सीधे आएंगे तो यहाँ पे तो मैम लोगों के से आप पेंटिंग ज़रूर परचेज की, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। और यहाँ पे बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली, जो अभी तक की कोई भी एग्जीबिशन में देखने को नहीं मिला था, जितना भी हम लोगों ने अभी एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे ये कुछ, इसको शायद हाथी के किसके दांत पे बनाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या 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 चीज़ें हैं। ये जो जुड़े में लगाते हैं वो है, ईयरिंग्स है, और कुछ बटन भी हैं, पेन है, ईयरिंग्स हैं, और झुमकियाँ हैं। ये सारे जितने भी ज्वेलरी लवर्स हैं भाई लखनऊ के, वो लोग यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। और यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी झुमकियाँ हैं, मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर आपको प्राइस बताऊँगी क्या क्या प्राइस है। और रिंग्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही सेट भी मिल रहा है, तो चलिए जाने थे प्राइस। तो भैया ये बता रहे हैं कि ये कैमल बोन का है, जो कि हड्डियों का, जो कि ऊँट है उसकी हड्डी का बना हुआ है। तो ये बड़ी ही फाइन कारीगरी है, आप देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है। ये एक बर्ड बना है, और यहाँ देखिए बहुत ही फाइन कारीगरी है। ये नाइफ है ना भैया? ये नाइफ है जो आप पेपर वगैरह कट कर सकते हैं। इसकी कारीगरी आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से ये बनाया हुआ है, बिल्कुल हैंडमेड है। ये सीजर, ये इससे क्या कट जाएगा? पेपर ही कट, पेपर वगैरह कट करना है बच्चों के, जो क्राफ्ट वगैरह के जो भी स्कूल के प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो पेपर कट करने के लिए आप उनको ये गिफ्ट कर सकती है। सीजर ब्यूटीफुल से ईगल बना हुआ, और यहाँ पे किरिंग वगैरह भी। क्या प्राइस है ये किरिंग की, क्या प्राइस है? 50 रुपीज़ में आपको किरिंग मिल जा रही है। और ये जो कोम है इसकी क्या प्राइस होगी? 200 में आपको कोम मिल जा रही है, और पेन भी मिल रहा है, कुछ लॉकेट टाइप के भी हैं। ये ब्रेसलेट कितने की है? 100। तो आपको ब्रेसलेट लेना है, जो लोग ब्रेसलेट पहनने के शौकीन है वो ले सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का। और ये ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स मिल रही है, कारीगरी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो इस टाइप का, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हाथी बनी हुई है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ईयरिंग की क्या प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस क्या है ईयरिंग्स की? 50 रुपीज़ में कौन सी वाली ईयरिंग्स आएगी? ये तो किरिंग है ना, ईयरिंग 100 रुपीज़ में कोई भी सा पीस, अलग अलग प्राइस है 100 रुपीज़ में। जैसे ये कितने की है? 100 की। ये वाली ये 200 की है, छोटी वाली मीन्स 100 आएगी, ये भी 100 की आपको, मीन्स छोटी वाली जो ईयरिंग्स है वो आपको 100 की मिल जाएगी, और जो बड़ी वाली है वो आपको 200-150 इस तरह की मिलेगी। और ये झुमकियाँ भैया, ये झुमकियाँ 200 में, जो जिनको झुमकियाँ बहुत पसंद है, यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी झुमकियाँ हैं, आप देख सकते हैं कलरफुल है, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, मैचिंग के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं झुमकियाँ।
200 में, और इस तरह की भी इयर रिंग जिनको बड़ी इयर रिंग्स पसंद है वो ले सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा झुमका, इसकी क्या प्राइस है? 250 का आपको ये प्यारा सा झुमका मिल जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलेक्शन है जिनको छोटे छोटे पहनने हो तो ये टॉप्स टाइप में भी मिल रहा है। इसकी क्या प्राइस होगी भाई? 150 के, जिनको बड़े इयर रिंग्स नहीं पसंद है, छोटे पसंद है, तो इस तरह की आप 150 के ले सकते हैं। और ये सारी इस तरह की जो हम लोगों ऑनलाइन पे भी देखते हैं परचेज करते हैं, इसकी क्या प्राइस है? 200 में आपको ये प्यारा सा झुमका कलरफुल मिल जा रहा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैंडमेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्राइस है। ये क्या झुमकियाँ ही है ना छोटी छोटी, ये कितने की है? अच्छा, इसमें से ढूंढना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। अच्छा, कोई सा भी आप पसंद करेंगे, 50 रुपीज में आपको प्यारी सी झुमकियाँ मिल जा रही हैं, अलग अलग डिज़ाइन की हैं सब इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग पसंद करके आप ले सकते हैं। भैया आपको निकाल के उसमें से पेयर बना करके दे सकते हैं। यहाँ पे एंकलेट भी मिल रही है, यहाँ पे ये देखिए ब्यूटीफुल, जो रिंग लवर है भाई उनके लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ना हो, रिंग्स आप देख सकते हैं। रिंग की प्राइस क्या है? कोई सा भी, कोई सा भी आप रिंग लेंगे तो आप छोटी बड़ी साइज कोई सा भी आप पसंद कर सकते हैं, तो 100 रुपीज में मिलेगी। जैसे ये मीनाकारी टाइम, इसको बोलते हैं मीनाकारी, तो इसके लिए अभी आपको 100 रुपीज पे करना है और आप ये रिंग ले सकते हैं। मैंने आपने पहले का ब्लॉग मेरा देखा होगा आर्ट क्राफ्ट का, जो कि आशियाने में लगा था, वहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ें थी, बट यहाँ पे ये बोन पे बना हुआ है वो अलग चीज़ में था, जो हैंडवर्क वो भी था, बट ये भी हैंडवर्क है। तो यहाँ पे इस तरह का स्क्रू वगैरह दिया हुआ है, तो अपने ड्रॉअर वगैरह डोर वगैरह में आप इसको लगा सकते, देख सकते, बहुत ही फाइन वर्क है, बहुत ही खूबसूरती से एकदम क्लियर क्लीन वर्क है। तो आप अपनी पसंद के मैं दिखा दूँ आपको, बहुत सारे डिज़ाइन का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन में आपको अलग अलग डिज़ाइन, जैसे ये स्क्वायर शेप में है, ये फ्लावर शेप में है, छोटी बड़ी जो भी साइज़ में आप लेना चाहें पसंद करें, 100 रुपीज़ पर पीस है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ नेक पीसेस हैं, तो वो भी हम ध्यान देख लेते हैं कि नेक कलर में भी, सिर्फ वाइट के अलावा आपको ऐसे इस तरह के वाइट और ब्लू के कलर में भी मिल जाएगी। इसकी क्या प्राइस है भैया? 200 की, और ये 200-250 में आपको जो बनी हुई है वो आपको नेक पीस मिल जाएगी। तो जैसे ये देखिए ब्यूटीफुल सा रेड के में ये वाइट कलर का दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा। तो आपको पता चल ही चुका है भैया, यहाँ पे जो शॉप इनकी है लेदर बैग की, प्योर लेदर बैग की है, और ये कानपुर से आए हैं, बट इनका नाम अभी हम लोग नहीं जानते, नाम जान लेंगे। और लेदर में क्या क्या वैरायटियाँ होती हैं, क्या क्वालिटी होती है, जिसे हम ये नॉर्मली अगर मार्केट में लेदर के पर्स लेने जाते हैं तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये प्योर लेदर है या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं से। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, एम इस्लाम, और मैं कानपुर से हूँ, और कानपुर में भी हमारा शॉप है। कहाँ पर? कानपुर में 150 फीट रोड पर, जाजमो में। अच्छा, तो विजिटिंग कार्ड तो होगा आपके पास? नहीं, अभी ख़त्म हो गया है, बट हमारा नंबर है, और इससे पहले भी मैं एग्जीबिशन में लगाया हुआ था भारत उत्सव में, उसमें भी हमारा यही सब प्रोडक्ट था और बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारा। तो वहाँ पे तो हम पहुँच नहीं पाए, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ उनके शॉप पे, तो आप ज़रूर यहाँ से लीजिएगा। और भी जो चीज़ आपको 550 में मिलेगी, हमारे पास 350 में मिल जाएगी। और लेदर का हमारे पास शीप लेदर का ग्लव्स है, पर्स है, अच्छे ब्रांड के, देखिए जेंट्स पर्स भी है, और सभी लेदर का है गारंटेड। और लेडीज़ बैग्स भी मिलेंगे आपको, और लेडीज, हाँ, बेल्ट्स, लेदर गुड्स का सारा सामान मिलेगा विदाउट जैकेट को। जैकेट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैकेट कॉस्टली होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रेंज में चाहते हैं, तो इसलिए हमने अभी जैकेट नहीं रखा है, बाकी लेदर का सारा सामान हमारे पास है। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे हम कभी से मार्केट में जाते हैं तो हमको अगर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि लेदर हाँ। का है, तो ये लेदर रियल लेदर है या फिर सिर्फ कहा जाता है? देखिए, रियल लेदर खाली हाथ में ही आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज ये होता है लाइटर, इसको मैं डेमो देता हूँ, ऐसे ये रेक्सिन होगा तो मेल्ट हो जाएगा, और लेदर होगा तो कुछ नहीं होगा, और इसमें स्मेल आएगी, लेदर की स्मेल आएगी। अच्छा, तो आपको ये चीज़ भैया बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं लेदर की चीज़ें लेने, तो आपको अगर पता करना है कि रियल लेदर है या नहीं, तो अगर आप चलाइए मार्केट से लाइटर से। हाँ, सिर्फ इसका यही टेस्टिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है, और लेदर अगर आप हाथ में टच करते हो वैसे आपको पता चल जाएगा कि वो लेदर है कि रेक्सिन है, अदरवाइज इसमें आप लाइटर जब करते हो तो इसमें स्मेल आती है, इसमें पूरी स्मेल आती है लेदर की, और जब नेल्स करते हो तो वो फट जाता है, यहाँ पे फटेगा, आप कैसे भी इसको पानी में भी आप डालोगे तो मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, तो नंबर जो है वो लेकर के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जी। एड्रेस कानपुर में इनकी शॉप जहाँ पे है उसका एड्रेस, अच्छा, कानपुर लेदर, आप देख रहे हैं, मैं आपको बैक कैमरा दिखा।
तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे इनका बैनर लगा हुआ है एड्रेस के सामने जो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, अब आपको वैसे क्लियर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इनका जो कानपुर में कहाँ पे इनकी शॉप है और कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, होम डिलीवरी का हो जाएगी? हाँ, उसका भी हो जाएगा। फोन पे ऑर्डर दे सकते हैं, सैंपल आप मोबाइल पे व्हाट्सअप करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप अपना घर बैठे भी मंगा सकते हैं और जो है घर पे आप अपना डिलीवर करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो क्या रिटर्न भी हो जाता है? सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रिटर्न हो जाएगी तो हम आपको, अगर मेरे पास पॉसिबल है तो उसको हम ठीक करा के देते हैं, नहीं तो हम रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। ब्लैक वाला बैग कितने की होगी? वो ऊपर जो हैंड बैग इधर वाली, ये 950 का आपको ये ब्लैक लेदर होगा। 100% लेदर है जिसमें कोई शक नहीं है। आपको जो भी लेदर के बैग लेने के बहुत ही शौक है, साइडर भी मिल जाएंगे हमारे पास, लैपटॉप बैग भी बहुत अच्छी क्वालिटी। यहाँ पे देखिए लैपटॉप बैग भी मिल जा रहा है, बिल्कुल लेदर भी, ऑफिस बैग, ग्लव्स और इस टाइप की कुछ जो जेंट्स के लिए जो कि अपने यहाँ पे किरिंग से अपने फंसा सकते हैं और यहाँ पे बैग अपना हैंड फ्री होकर के घूम सकते हैं। ग्लव्स भी मिल रहा है प्योर लेदर का। यहाँ पे वॉलेट की क्या प्राइस है भैया? स्टार्टिंग प्राइस क्या वॉलेट की? 250 से स्टार्टिंग प्राइस है वॉलेट की, तो आप यहाँ पे आकर के वॉलेट ले सकते हैं। अगर जिनको प्योर लेदर का ओरिजिनल चाहिए और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में तो वो यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। स्लिंग बैग भी आपको दिख रहा है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्नैक प्रिंट में लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं और आपको सारे इनका फोन नंबर डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेल्ट भी आपको मिल जाएगा। बेल्ट की क्या प्राइस होगी? ये 250-350 मैम, 100% लेदर, बफेलो एंड कैमल और बफेलो लेदर में आपको ये बेल्ट मिल जाएगी। सब ब्रांड का माल मिलेगा आपको। ओके, वुडलैंड, डिवाइस, एडिडास, यहाँ पे देखिए सारे ब्रांड के टैग भी लगे हुए हैं, वुडलैंड, डिवाइस, ये सारे उस पर मेंशन भी है, तो आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। और ये स्लिंग बैग मैंने दिखाया आपको, स्लिंग बैग भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो आप ले सकते हैं। बहुत सारी डिजाइन बेल्ट में, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन है। 150 से 250, 350 से 350 मिनिमम, 250 और मैक्सिमम 350 का आपको ये मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अभी यहाँ पे जो इनके स्टॉल नंबर है वो 38 है, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और बहुत ही खूबसूरत प्योर लेदर बैग लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग, सब कुछ अवेलेबल है, हर टाइप के बैग आपको मिल रहा है, ट्रेवल बैग, लेदर वॉलेट, सब कुछ मिल रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ की 1300 रुपये में आपको ये ऑयल मिल जाएगा। 2 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बालों को घना करता है, जो भी डैंड्रफ प्रॉब्लम है वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये ऑयल है, इससे कम का ऑयल नहीं है, मतलब छोटी बॉटल 200 ml 600 का 100 ml 300 का, आपको छोटी बॉटल अगर ट्राई के लिए 200 ml 600 में, इसमें क्या डिस्काउंट? 100 रुपये यानी 500 का आपको मिल जाएगा। सेम वही ऑयल है अगर आपको टेस्ट वगैरह करना है, और ये सबसे छोटी बॉटल आपको टेस्ट करने के लिए 100 ml 300 का, यानी कि आपको ये 200 मिलेगा। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं डैमो के लिए आपको ये मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इनका पैम्फलेट वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे अगर बालों से रिलेटेड अपने तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। अच्छा, ये लोग खुद ये बाल मतलब ऑयल ट्राई करते हैं, बाल देखिए आप, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही ऑयल यूज़ करते हैं आप लोग भी? यही ऑयल यूज़ करते हैं, और बाल आप देख सकते हैं भाई, किसी के ये सब हम लोग वीडियो में देखते हैं ऐसे बाल और सोचते हैं कि हमारे भी बाल ऐसे हो जाए, तो सब यूज़ कर सकते हैं। बाल का रिजल्ट आपको दिख रहा है। 3 बॉटल लगाने से इंजेक्ट का बाल आया, 9 महीना लगाने से, 9 महीने 3 महीने का है। अच्छा, 3 बॉटल लगाए तो इंजेक्ट का बाल आया। 3 बॉटल ये वाली बड़ी वाली लगानी है, यानी 9 मंथ आपको रेगुलर यूज़ करना है। और जो जड़ी बूटियों से बना हुआ ये यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिल के ये बना है ऑयल, ये सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, एलोवेरा, भृंगराज और भी न जाने क्या क्या है चीज़ें। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो ये होम डिलीवरी भी है, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुरियर चार्ज आपको जितने का आप ऑयल लेते हैं उससे आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और ये आपको घर बैठे मिल जाएगा। अपना एड्रेस वगैरह आप नोट करा देंगे तो वो और डिलीवरी आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। साथ में यहाँ कुछ स्टोन्स भी है, ये भी केरला की ही स्टोन्स हैं, जो कि देखिए आपको हर टाइप के स्टोन, अगर स्टोन जो लोग बहुत ज़्यादा स्टोन वगैरह पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। ये कौन सा रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष के गोंद का मिलता है, जो पेड़ होता है उसका जो गोंद निकलता है वो मिलता है, तो आप यहाँ पे आकर के ज़रूर और ये ऑयल परचेस कर सकते हैं। रिजल्ट आपने देख लिया, और जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन घर बैठे भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। डैमो के लिए आप छोटी बॉटल ले सकते हैं, और फ़ायदा दिखता है तो आप बड़ी बॉटल मंगा सकते हैं। रेहान भाई हैं जो कि मुरादाबाद से आए हैं, वो सारे ये चीज़ें मुरादाबादी चीज़ें हैं, जो कि मुरादाबादी बिरयानी जो सबको पसंद आती है, सब खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो बिरयानी के साथ साथ आप यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी देखिए, जो कि आप अपने घर में डेकोरेशन में, ये पेयर है पूरा, क्या प्राइस है इसकी? 550 में आपको दोनों पेयर मिल जाएगा, जो आप अपने वॉल में लगा सकते हैं। वन पीस है 550 का, जिसपे कि ये पूरा हैंडमेड है, मोर बना हुआ है पीकॉक के साथ में, ये सारे फ्लावर्स, वन पीस है, बैंगल भी है, तो मुरादाबादी बैंगल है ये सारी,
इस मुरादाबाद की स्पेशल बैंगल है जो कि पीस के प्राइस क्या है इसकी, कोई भी अब हम 150 में आप कोई भी बैंगल मुरादाबादी बैंगल यहाँ पे ले सकते हैं। रेड कलर जो कि सब पहनते हैं, मतलब जितनी भी मैरिड है वो रेड कलर ज्यादा पहनती हैं, तो वो ले सकते हैं। पूरा रेड रेड ज्यादा साथ में कलरफुल भी है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट टाइप से जो कि बड़ा ट्रेंड में चलता है, इसके अलग अलग डिजाइन दिखा देती हूँ आपको। तो इसके प्राइस कितने से स्टार्ट होती है, इसकी प्राइस कितने से स्टार्ट है? 150 से स्टार्ट है। मैक्सिमम प्राइस क्या है? मतलब 120-100 से आपको। इसके अभी फिलहाल इसकी क्या प्राइस है? 100 रुपीज में आपको ये वन हैंड का बैंगल मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्टोर में भी ऑनलाइन ही इनका काम है, तो ऑनलाइन में आप जो है कि घर से हम आपको ऑर्डर फोन पे दे सकते हैं। और जब हमारे देश पे दिल्ली में जो कोर्ट है उसमें माल जाता है, ब्रिटिश सरकार ने राज किया और राज करने के बाद समय का परिवर्तन ऐसा किया कि हम हमें जो मैकेनिकल हो गए डिजिटल की वजह से। डिजिटल जो हम थे सारे प्रोडक्ट आपको घर बैठे, अगर आप यहाँ पे आकर के नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे लखनऊ के नहीं हैं तो आप लेना चाहते हैं तो आप अपने घर से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिया के लिए आप देखिए कितने खूबसूरत, यहाँ पे आप अगरबत्ती जो जलाते हैं, कछुआ वगैरह का, जो घंटी मंदिर में रखने के लिए। प्राइस क्या है घंटियों की? घंटियों की प्राइस क्या है? 200 की छोटी वाली, 300 की बड़ी वाली है। और यहाँ पे पीतल के आपको लोटा, पीतल है ना, पीतल का लोटा, यहाँ पे छोटी छोटी सी ग्लास वगैरह। और ये कितना खूबसूरत से हैंड से, ये देखिए कितना खूबसूरत से, ये आप आरती वगैरह करने के लिए बहुत ही ज्यादा। इसमें 5 बत्तियों वाला है, इसके क्या प्राइस है भैया? जस्ट 200। बार्गेनिंग हो सकती है या डिस्काउंट? बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, बार्गेनिंग कीजिए अपने हिसाब से जितनी करनी है। बहुत अच्छी आरती के लिए होती है तो आप जरूर लीजिए। और उसके साथ में अगर ये वाला है जो, इसका क्या करना है? नहीं इससे क्या लोहबान, अच्छा ये आरती के साथ साथ अगर आप लोहबान अपने घर में धुआं देते हैं, जो भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स है वो लोहबान का धुआं देते हैं, तो उनके लिए ये इस तरह से आपको ढक्कन है, यहाँ लोहबान जलाना है, फिर उसको ढक देना और धुआं आप पूरा घर में अपने दे करके उसको एकदम खुशबू से एकदम तरातर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मिल रही है। जो सिंगल लेना हो तो आप यहाँ पे ये भी रख के जला सकते हैं। क्या प्राइस है इसकी? 80 रुपीज में आपको ये मिल जा रहा है। तो भैया और क्या लेना है ये अगरबत्ती के लिए? क्या प्राइस है इसकी? 350 में, और वेटेड भी है, 350 में आपको मिल रहा है। बाकी ये सारा आपको डेकोरेशन के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप चटनी वगैरह रख सकते हैं। ये फ्लावर पॉट, ये सारा मिल रहा है। तो ये फ्लावर पॉट पेयर में है, 1200 में आपको पेयर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही 6 महीने की तैयारी है। ये पॉट रेडी करने में, इधर से दिखाती हूँ आपको, ये पॉट को रेडी करने में 6 मंथ लगा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा काम है। ये आप देख सकते हैं इसकी बारीकियां, आप देख सकते हैं जो खूबसूरत से, ये भी इसको भी बनाने में 6 महीने लगे हैं। और इसकी भी आप देख सकते हैं खूबसूरती, बारीकियां आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। 6 महीने में ये एक पॉट बनकर रेडी हुआ है और इसकी कॉस्ट पर पीस 25,000 रुपये है, जो आपके मेटल ये इस ग्रास पे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, हैवी भी है। तो आप इसकी प्राइस पे ना जाके इसके वर्क पे देखिए, क्या वर्क है इसका और कितनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती फिनिशिंग, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आप कर सकते हैं फिलहाल बार्गेनिंग, तो आप कर सकते हैं। तो इनका भाई क्या नाम है आपके? रेहान भाई हैं, तो इनकी ये शॉप है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जस्ट ये जो स्टेज बना हुआ है, स्टेज के जस्ट सामने इनके स्टॉल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेहान भाई के शॉप से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सब कालीन, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कालीन है, तो आपको वही प्राइस में कालीन यहाँ भी मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसकी? 450 में आपको ये लंबी सी डोरमेट वाली कालीन मिल जाएगी, तो आप अपने यहाँ पे अपने जिस तरह से यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए आप कालीन वगैरह, और जैसे यहाँ पे पेंटिंग हैंडमेड हैंडलूम वाली, जो कि जैसा काम मेला में भी देखा था, और यहाँ पे भी मुरादाबादी वही चीज़ें हैं, कुछ बाकी हैंडलूम पे सामान, कश्मीरी सामान आपको मिल जा रहा है। साथ में यहाँ पे कुछ नेक पीसेस हैं और ये सारी चीज़ें जयपुरी का। मैम क्यों, कौन सा कपड़ा है ये? शिफॉन। ओके, तो यहाँ पे आपको कड़े वगैरह लेना है तो ये आप ले सकते हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म से, आप ले सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे वही चीज़ जो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाई है, तो अब मैं घूम फिर के बाहर ही आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और इस लेन में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख यहाँ पे आपको लेदर के शूज़ वगैरह वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं जो जो यूनिक चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई।
यहाँ पे आप पीछे के साइड में आएंगे स्टेज से बैक तो आपको गुजराती चीज़ें हर एग्जीबिशन में देखने को मिला है, बट यहाँ की गुजराती जो चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें अलग मिली हैं, जैसे ये भी डाइनिंग के लिए, डाइनिंग की शोभा अगर आपको अपने बढ़ानी है, खूबसूरती में चार चांद लगाना है, अपने डाइनिंग टेबल को कुछ अट्रैक्टिव दिखाना है, तो इस मेले में आकर के आप ज़रूर ये देखिए। डाइनिंग के सेंटर में आप यहाँ पर ये रख सकते हैं, और जो आप सेंटर में आप ये रख सकते हैं अलग अलग क्वालिटी, ये देखिए इसमें आपको सीक्वेंस एंड जो भी मोतियाँ वगैरह लगी हैं अलग अलग डिज़ाइन। क्या प्राइस है इसकी? कोई भी पीस आप लेते हैं तो 500 का आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत सी है डिज़ाइन, आप आके देख सकते हैं। कंसेशन बार्गेनिंग भाई हो जाएगी, आप कर सकते हैं। और ये इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, एक सीधा करके दिखाइएगा सर, ये देखिए ये पूरा मिरर मोतियों का वर्क है, पूरा का पूरा मोतियों का वर्क है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पिकॉक की शेप, पिकॉक ही पूरा बना हुआ है ये, आप देखिए ब्यूटीफुल सा है ये, आप देख सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है पिकॉक की? 1250 की आपको मिल जाएगी। और इसके साथ में ऐसा ही नहीं है बस ख़त्म हो चुका, इसके साथ में इस तरह की भी डाइनिंग पे आप अपना रख सकते हैं, जो कि हम लोग लेने जाते हैं। कलर डिज़ाइन मतलब स्पीचलेस चीज़ें हैं, इसकी भी 500। तो भैया गुजरात के हैं, और क्या नाम है आपका? आकाश भाई की शॉप है, और यहाँ पे उसके साथ में आपको कुछ सूट वगैरह भी जो लेना लीजिए, लेकिन जो गुजराती घाघरा है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ही अलग लगी, जो कि अभी तक किसी भी एग्जीबिशन में किसी भी मेले में आपको देखने को नहीं मिली थी। बिल्कुल ये हैंडवर्क चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल हटके मिला है। और मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था, वीडियो के शुरुआती में बता दिया था, मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लोर करूँगी जो कि आपको बिल्कुल नई चीज़ें होती। ये तो भाई बिल्कुल ही नई है, अभी तक की किसी भी एग्जीबिशन महोत्सव में नहीं देखने को मिला है, तो आप आकर ले सकते हैं। सबकी प्राइस 1250। इसमें क्या आपके जो बड़े वाले हैं वो 1250, जो कि सेंटर में आप रख सकते हैं, 1250 रुपये पर पीस है, लेकिन आप बार्गेनिंग करके उसको कम करवा सकते हैं। जो छोटे वाले हैं वो 500 के हैं, वो उसमें भी बार्गेनिंग हो जाएगी, तो आप यहाँ पे आकर के ज़रूर परचेस करें। और गुजराती जैकेट वगैरह भी मिल जाती है, देखा कि कितना खूबसूरत सा डाइनिंग के लिए है, यहाँ पे लेदर 950 रुपये में आपको मिल जा रहा है, सूज वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत सा था। और पीछे आपको खाने की चीज़ें मिल रही हैं, कुल्फी है, मखन मलाई है, केसरिया दूर है, बॉम्बे की मशहूर भेलपुरी, बनारसी पान कहाँ नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ में मीनू किचन्स माल मिठाई भी है। यहाँ पे कुछ लकड़ियों की चीज़ें जो हर जगह, ये खूबसूरत सा लैंप है जो आप अपने टेबल वगैरह पर रख सकते हैं। इसका क्या प्राइस है भैया वो पीछे वाले की? पर पीस वन पीस आपको 1500 रुपये मिलेगा, और ये आगे वाली ये 1000 रुपये की पीस मिलेगी, और पीछे आपको 1500 की पीस मिलेगी, तो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्रे के लिए भाई घर की गृहिणियों को कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए तो हर चीज़ मिलनी ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये ट्रे की क्या प्राइस होगी? दो का, दो पीस आपको दो का सेट मिल रहा है 1200 रुपये में। ये कौन सी लकड़ी है? आसाम की जो है उस पर बना हुआ है, यहाँ पे पकड़ने के लिए गोल्डन सा मेटल दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ इस तरह की भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बट ये ट्रे और लैम्प बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे किरिंग वगैरह भी मिल रही है, स्पून भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये जो गाड़ी है ये कितने की है? हाँ हाँ 550 की, वो आप उसको घर की शोभा के लिए बढ़ाना चाहे वो ले सकते हैं, बच्चों के लिए लेना चाहे वो ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहे वो ले सकते हैं। पीछे साग में आपको मुंबई सरसों का साग, बाजरे की रोटी मिल रही है, डोसा खाना है डोसा मिल रहा है पीछे, यहाँ पे पूरा खाने की व्यवस्था हो रखी है पीछे, चाय वगैरह टिक्की चाट सब कुछ मिल रहा है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे अलग है वो है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई, तो यहाँ पे दो चॉकलेट मिठाई फ्लेवर सिंगौड़ी मिलती है, तो जानते क्या है सिंगौड़ी और चॉकलेट। तो ये भैया क्या अल्मोड़ा का है? अच्छा, तो ये वाली मिठाई तो नैनीताल में जो मंदिर है, क्या नाम है नैनीताल में कोई मंदिर है बड़ी? अच्छा ये अच्छा अच्छा, तो अल्मोड़े की ये फेमस मिठाई है बाल मिठाई। अच्छा, जैसे हमारे लखनऊ की रेवड़ी फेमस है, तो इसी तरह की अल्मोड़ा की बाल मिठाई, नाम मिठाई का बाल मिठाई है वो फेमस है। तो इसमें क्या चीज़ ऊपर लगा हुआ है वाइट वाइट? साबूदाना, ये साबूदाना ऐसे लगा दी कच्ची? अच्छा, ये ब्राउन किया जाता है ना? अच्छा अच्छा, ये चॉकलेट है? ये कितने की है? ये आपका 500 के जी है, 500 kg चॉकलेट मिठाई, 400 kg में बाल मिठाई है, और चॉकलेट 500 kg में है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसकी रेसिपी मेरे ख्याल से आप नहीं बताएंगे कोई भी अपनी सीक्रेट नहीं बताता है भाई, तो इसलिए आपको खाना है, मज़े लेना है इस मिठाई का, जो कि आपने बहुत मिठाई खाई लेकिन रेवड़ी लखनऊ की है, तो बाल मिठाई भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे पीछे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। 400 रुपया किलो में आपको ये वाली मिलेगी, चॉकलेट वाली 500 रुपये किलो में मिलेगी, तो आप यहाँ पे आके। अच्छा, 250 ग्राम भी मिल जाती होगी?
अच्छा 250 ग्राम में आपको ये छोटा डब्बा भी लगा हुआ है, तो 100 रुपीज में आपको 250 ग्राम मिल जाएगी और 125 में चॉकलेट वाली मिल जाएगी। तो आप आकर के अगर आपको टेस्ट करना है या आपको थोड़ा लेना है, ज़्यादा लेना है, जितना लेना आप यहाँ से आकर के ले सकते हैं। अगर कोई घर बैठे मंगाना चाहे तो मिल जाएगा। वो कॉल नंबर है, नंबर लिखा अच्छा पीछे देखिए यहाँ पे इनका नंबर है जो कि आप इस नंबर पे कॉल करके घर पे भी मंगा सकते हैं। टेस्ट यहाँ कर ले, घर पे भी पसंद आए तो आप मंगा सकते हैं। भाई आपका नाम? रमेश भाई की शॉप है तो आप यहाँ पे आके मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। और बाकी ये पूरा व्यू है, पीछे खाने की पूरी व्यवस्था, आगे भी है, तो आप आकर के विजिट ज़रूर करें। शॉप नंबर है 74। यहाँ पे आपको बीकानेरी का नमकीन वगैरह मिल जाएगा, पापड़ वगैरह। और यहाँ पे शॉप नंबर 82 है, जहाँ पे 82 83। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्यूटीफुल से लैंप मिल जा रहे हैं जो कि आई थिंक ग्लास पे, ये ग्लास पे बना हुआ है, ग्लास पे ये जल रहा है, देखिए अंदर इस तरह की लाइट है, ग्लास पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा लैंप है जो कि अंदर लाइट जल रही है, आपको रोशनी दिख रही है जिसपे, वो लाइट जल रही है, अंदर इस तरह से लाइट जल रही है। और यहाँ पे पूरा हैंडवर्क है, तो आप ये देख सकते हैं हर साइज में है, तो आप वहाँ पे डिजाइन भी आपको मिले। ये मार्बल डिजाइन के कितने की अंकल? 800 में आपको कोई सा भी एक पीस मार्बल डिजाइन का मिल जा रहा है। और ये ग्लास वाले ये फ्रंट वाले 700 का, ये 1000 मतलब आपको। और कोई और इधर छोटे छोटे में भी है तो इसकी तो प्राइस ऑलरेडी कम होगी। सिंगल पीस आपको 100 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की आपको सिंगल पीस इस तरह की मिल जा रही है जिसमें आप कैंडल रख सकते हैं। ये 150 की है, जिससे थोड़ी सी बड़ी है, 150 में आपको मिल रही है। और आपको ये छोटे वाले 100 रुपीज में मिल रही, तो आपको छोटे वाले 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये अगर आप इसमें कैंडल रखेंगे तो जो लक्ष्मी जी उनकी जो ये पूरा जो पिक्चर है वो पूरे आपके घर में फैल के बड़ी सी दिखेंगी लक्ष्मी जी। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा एक्सप्लोर मैंने आपको किया स्वदेशी मेला में, आपको क्या क्या चीज़ें अलग मिल सकती हैं जो कि बाकी एग्जीबिशन से, जो कि मैंने आपको हर एग्जीबिशन मेला जो भी महोत्सव लगा मैंने सारा आपको दिखाया है, उसमें लगभग कुछ चीज़ें हैं जो कि सेम टू सेम है, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें भी मिली हैं, बिल्कुल हैंडमेड चीज़ें, तो वो सारी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को पसंद भी आया होगा, और पसंद आया है तो क्या करना है आपको सबको पता है कि लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना है ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी जितने इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल मतलब जैसे हस्तकला में भी आपको आर्ट क्राफ्ट का अगर वो सारे जो लिंक है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने विजिट नहीं किया है वो जाएंगे उस वीडियो को भी देखेंगे। और आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा व्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे मत बढ़िएगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में बहुत ही जल्दी कुछ नया लेकर। अल्लाह हाफिज़।